अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, और उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ एशियन साइड, और एशियन साइड पे थोड़ा सा काम है, ज़रा वो करके आएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से वापसी में आपको मैं दिखाता हूँ कि एशिया से यूरोप हम कैसे आ सकते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो इससे रिलेटेड है। तो वो सामने आप देख सकते हैं कि बॉस्फोरस का ब्रिज आ रहा है। ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया से। ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ यूरोप है और एक तरफ है एशिया। ये हम बीच में आ गए इस ब्रिज के, यूरोप छोड़कर हम जा रहे हैं एशिया। ये एशिया शुरू हो रहा है यहाँ से, और मैं इस वक्त एंटर हो रहा हूँ एशियन साइड। तो ये एशिया शुरू हो गया है यहाँ से, और मैं इस वक्त हूँ एशिया में। तो ये था यूरोप से एशिया का सफ़र बाय कार। कार में बैठ के हम मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में यूरोप से एशिया आ सकते हैं। और बॉस्फोरस का एक ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है, जबकि बीच में इस्तांबुल को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस भी दिए गए हैं। बाय फेरी भी हम जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी हम जा सकते हैं, बाय कार भी हम जा सकते हैं। तो ये था कार का सफ़र जो मैंने भी आपको दिखाया है कि हम बॉस्फोरस से होते हुए यूरोप साइड से एशिया आ गए। अब कोशिश करूँगा कि मैं आपको बाय फेरी भी दिखाऊँ कि हम बाय फेरी एशिया से यूरोप साइड किस तरह आ सकते हैं। कडिकॉय और अताशे काफ़ी डेवलप एरियाज़ मुझे लगते हैं। जब भी मैं एशियन साइड आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, न्यूली अपार्टमेंट्स हैं जो नई कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि नॉर्मली इस्तांबुल के जो मेन सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें पुरानी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। तो मैं हूँ इस वक्त मेट्रो स्टेशन पे, और ट्रेन आ गई है, तो मैं जा रहा हूँ कडिकॉय। कडिकॉय में वहाँ से मिलेगी फेरी जो कि हमें एशिया से यूरोप लेके जाएगी। तो वहाँ से आपको जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एशिया से यूरोप जा सकते हैं बाय फेरी। तो मैं अभी बाहर निकला हूँ कडिकॉय के मेट्रो स्टेशन से, और ये है मेरे पीछे इस वक्त समंदर, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि एशिया का बिल्कुल कोना है, और यहाँ से आप जाएंगे यूरोप की तरफ। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त फेरी लेने के लिए, और फेरी लेने के लिए यहाँ पर अगर हम नियर बाय जाते हैं बशिकताश जो है वो यूरोप के इलाके में है। ये है स्टेशन जो कि हमें एशिया से यूरोप लेके जाएगा बशिकताश के इलाके में, क्योंकि मेरे घर के नियर बाय है। तो हम जा रहे हैं अभी बशिकताश, यहाँ से बशिकताश के लिए। ओके बशिकताश, ओके। टिकट इस वक्त है 11 लीरा का, ये बढ़ा दिया उन्होंने थोड़ा सा इन्फ्लेशन की वजह से, तो एक रुपया एक लीरा जो है वो बढ़ गया। तो लेट्स सी, ये है स्टेशन। तो हम जा रहे हैं शिप में यहाँ से बशिकताश के लिए। सब लोग खड़े हुए हैं, और ये बाकी लोग जो अभी आए हैं रिसेंटली वो बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो ये टिकट टन करने के बाद मैं आ गया हूँ फेरी की तरफ, जा रहे हैं हम। ये है फेरी, और यहाँ से हम जाएंगे एशियन साइड से यूरोप। ये है किनारा कडिकॉय का, की शिप है। अभी ये थोड़ी देर में चलेगी तो फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी कैंटीन वगैरह भी बनी होती है अंदर। हेलो, तो ये कैंटीन बनी होती है, और इस तरह की शिप होती है अंदर। आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल है अंदर, हीटर वगैरह भी चल रहा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अगर आप थोड़ी देर भी बाहर खड़े होते हो आपके हाथ जमने लगते हैं। मैं जा रहा हूँ इस वक्त कडिकॉय से बशिकताश, मतलब एशिया से यूरोप बाय फेरी, और इस वक्त मुझे जो किराया देना पड़ा है वो है 11 लीरा, और मेरे ख्याल से बहुत कम है, क्योंकि ये राइड आई थिंक 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की राइड है एशिया से यूरोप की। तो हमें बहुत अगर मतलब पैसे आपके वसूल हो जाते हैं अगर आप बाय फेरी
एशिया से यूरोप जाते हो? वो सामने नज़र आ रहा है यूरोप का पार्ट। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं एशिया से निकले हुए और अब तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं यूरोप के साइड पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है बॉस्फोरस का ब्रिज। ये है वो बॉस्फोरस ब्रिज जहाँ से मैं बाय कार एशिया से यूरोप आया था। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि एक तरफ एशिया है, एक तरफ यूरोप है, बीच में ये ब्रिज बनाया गया है। और ये सामने यूरोप नज़र आ रहा है और ये सामने एशिया है। हम पहुँच गए हैं यूरोप। ये यहाँ का स्टेशन है जहाँ पर हमारी ये शब जाकर लगेगी। काफ़ी लोग वहाँ वेट कर रहे हैं सामने कि शिप आकर वहाँ रुकेगी, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ सामने आकर शिप रुकेगी। तो मैं पहुंच गया हूँ बशिकताश यूरोप में। तो ये था एक सफ़र जहाँ पर 11 लीरा में आप एशिया से यूरोप ट्रैवल करके आ सकते हो। अब बशिकताश मेरे घर के करीब है, इस वजह से मैंने ये वाली लाइट ली, वरना अदरवाइज़ आप यानी का भी या इमिनो की शिप भी ले सकते हो। वो आई थिंक थोड़ी सी महंगी पड़ती होगी, आई थिंक 11 लीरा ऑलमोस्ट 12-13 लीरा की होगी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।